नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जिसका संबंध महाराष्ट्र के राजनीति से है और बहुत बड़ा गहरा संबंध है, और इस प्रकार की जानकारी शायद ही आपको कोई दे पाएगा। देखिए, दशहरे के दिन इसी महीने बीड, पार्ली, यहाँ पर भगवानगढ़ पर पंकजा मुंडे, उन्होंने एक दशहरा का मेलावा किया, यानी गेट टुगेदर किया सभी का, जिस पर वो जब आ रही थी वहां पर, तो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की भगवानगढ़ महाराज के समाधि पर, और साथ ही में जो कार्यकर्ता वहां पर सम्मिलित हुए थे, जो वहां पर जमा हुए थे उन पर, और उस पर उन्होंने एक काफी अच्छे दो वाक्य कहे। लेकिन वो वाक्य आप पहले सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं। मी वरुण फुले टाकत होते भगवान बाबांच्या चरणी आणि तुमच्या चरणी, फुले टाकत होते की नाही हेलिकॉप्टर मधून, कोणत्या नेत्याची चमचेगिरी करायला फुले नव्हते टाकत। दोस्तों, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा, वहां पर हजारों हजारों की भीड़ जमा थी, शायद कुछ लाख कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें ये कहा कि जब मैं आ रही थी तो हेलीकॉप्टर से हमने फूल बरसाए भगवान बाबा के चरणों के लिए और आपके चरणों के लिए, किसी नेतागिरी की किसी नेता के चमचागिरी करने के लिए नहीं, इसका राज हम आपको बताएंगे। इस तरह के इन्होंने काफी सारे ताने मारे हैं। क्यों मारे हैं, क्या मारे हैं, आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक खबर बता दें, आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए इसे सही सही प्रक्षेप में समझने के लिए, सही पर्सपेक्टिव में समझने के लिए। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भास्कर पाटिल खडगावकर, इन्होंने रविवार को डिक्लेयर कर दिया कि वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे 7 साल पहले, यानी जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार की स्थापना हुई थी उसी समय, और उस समय उनके साथ में थे ओम प्रकाश पोकरना वगैरह और काफी सारे कार्यकर्ता उनके साथ पार्टी में प्रवेश किए थे। उन्होंने एक इल्जाम लगाया है, एक नहीं एक दो बातें उन्होंने बताई है उस इल्जाम के विषय में। उन्होंने कहा कि नांदेड़ जिला जो है वहां पर बीजेपी के एमपी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रताप पाटिल चिंचलीकर, ये अपने जागीर समझ के वहां पर उसे यूज करते हैं और वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अन्याय करते हैं, सभी स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हैं। और जो देगलूर की सीट लड़ी जाने वाली है नांदेड़ में, जिसका की चुनाव आने वाले 30 अक्टूबर को है, उसमें उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया, उनके साथ सलाह मसलत नहीं की गई कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए, और ऐसे ही पार्टी के बाहर के किसी भी व्यक्ति को, यानी शिवसेना के कार्यकर्ता या नेता को उम्मीदवारी दे दी गई। तो आप समझिए कि कांटे ने कांटे को निकाला है। कैसे, 2014 में सिर्फ वही लोग आए जो अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे, आए थे, और वही भारतीय जनता पार्टी अब बाहर है। और वो आए थे किसके निर्णय से, आप सभी जानते हैं, चंद्रकांत दादा पाटिल निर्णय नहीं लेते, प्रदेश के अध्यक्ष तब रावसाहेब दानवे थे, वो निर्णय नहीं लेते थे। सुधीर मुनगंटीवार, वो तो पार्टी के निर्णय कभी नहीं लिया करते पहले से, उन्हें कोई अधिकार ही नहीं दिया गया, चंद्रकांत पाटिल को नहीं अधिकार है, तो अधिकार किसे था आप समझ सकते हैं। उन्होंने इन्हें लाया और अब ये जा रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रहा है। यानी कौन सा अस्तित्व, बनावटी अस्तित्व, ओरिजिनल लोग तो वैसे ही उनके साथ नहीं, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है वो तो है ही नहीं उनके साथ। दूसरी बात आपको बता दें कि इन्होंने ये भी कहा है कि वहां के लोकल यूनिट, यानी नांदेड़ के जो लोकल यूनिट के जो कार्यकर्ता है वो भी इनके साथ कांग्रेस में चले जाएंगे। देखिए, जिसके साथ नाइंसाफी होगी वो तो जाएगा ही, और हो सकता है कि कई ओरिजिनल यानी मूल कार्यकर्ताओं को ये ले जाए। इसी प्रक्षेप में, इसी एंगल से आप इस वीडियो को ये कीजिए कि किसे सिर्फ चमचे लगते थे, उत्तर भारतीयों को टिकट दे देते हैं, फिर कहते हैं कि पीछे ले लो आपका टिकट, आपका जो आपने अर्जी भरी थी, उम्मीदवारी भरी थी इलेक्शन के लिए।
महाराष्ट्र में 15 नगर पालिका महानगर बड़े बड़े नगर पालिका महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और खासकर मुंबई में जहां पर बहुत सारे उत्तर भारतीय हैं, वहां पर जो महानगर पालिका है उसका बजट इतना है कि शायद 2-3 राज्य मिला दे तो उससे भी ज्यादा बजट वहां के सिर्फ मुंबई के महानगर पालिका है, जिसे बृहन मुंबई महानगर पालिका कहा जाता है। तो इस तरह के ये जो हालात है वहां पर, इसे ये समझना जरूरी है कि गलत निर्णय जो लिए गए सत्ता को दिमाग में अपने बिठा कर भर कर, वो आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, आज उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तब ओरिजिनल लोग जो ओरिजिनल नेता थे, ओरिजिनल कार्यकर्ता थे, वो काम कर रहे थे नरेंद्र मोदी के लिए, 2019 में भी वो काम कर रहे थे। 288 सीट अगर लड़ते तो 170 से ज्यादा सीटें इनके पास आती है। अमित शाह ने तभी कहा था इन्हें नहीं सुना, 105 में सिमट कर रह गए, 288 लड़ते तो 180 के ऊपर इनकी सीटें आती। खैर अभी भी मालूम हुआ है कि ये निर्णय ले चुके हैं बंसे से युति करने का, टाइप करने का, लेकिन इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से ये युति तो करेंगे क्योंकि शिवसेना से मुकाबला करना है, तो इनके कार्यकर्ता तो वैसे ही नाराज बैठे जो भूल कार्यकर्ता है, हो सकता है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में ही शामिल हो जाए। तो अगर इस तरह से मूल जो नेता और कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना में चले गए तो इनके पास बचेगा क्या, बाबा जी का टुल्लू? इस तरह के हालात है। पंकजा मुंडे ने ये जो कहा था कि हम जो फूल बरसा रहे थे वो आप भगवान बाबा की चरणों में और आपके चरणों में, क्योंकि ये कार्यकर्ता ही है जो उन्हें जिंदा रखे हुए राजनीति में, वरना इन्हें 2019 में तो इनकी राजनीति खत्म कर चुके थे ये लोग। आज वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सचिव हैं। ऐसे बहुत सारे जो ओरिजिनल गोपीनाथ मुंडे जी की बेटियां हैं, दोनों सांसद हैं प्रीतम मुंडे, हम तो इन्हें तब मिल चुके हैं, देख चुके हैं जब ये बहुत ही बच्चे थे, हमें मुंडे जी के साथ काम करने का मौका मिला था, सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो उप मुख्यमंत्री बने तभी भी हम उनके साथ कुछ समय काम कर रहे थे, कुछ समय क्या काफी समय, और उन्हें काफी नजदीक से उनके काम को देखने का मौका मिला। ये जो भाषण हमने सुना पंकजा मुंडे जी का, देखा और सुना, हमें फिर गोपीनाथ मुंडे जी की यादें ताजा हो गई। हमें ऐसे लगा जैसे साक्षात गोपीनाथ मुंडे जी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बात करने की स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो भाषण देने के समय की, उससे हमें लगा कि साक्षात गोपीनाथ मुंडे जी हमारे सामने खड़े। तो ये सब बातें हैं। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये कहा कि सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, क्या यही करते रहेंगे? आपका काम है जनता की सेवा करना, सरकार उनकी सेवा करे न करे, सरकार के ऊपर तो उन्होंने ताने जो जड़े वो तो जड़े, लेकिन ये घर का गिफ्ट मिलाएंगे, जो यहाँ महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के निर्णय लेने के लिए एकमेव नेता बैठे हैं, ना अमर ना इबनी, अकबर ना एंथनी, सिर्फ अमर बैठे हैं। खैर वो पार्टी को तो वहां पर बर्बाद कर ही चुके हैं, वो तो हम जानते हैं वहां के क्रास लेवल की हकीकत, वहां पे काफी सारे क्रास लेवल से लेके प्रदेश के तक के काफी सारे पदाधिकारी हमारे से डायरेक्ट संपर्क में रहा करते हैं। तो इस तरह के ये जो हालात हैं, इस पर हमें जैसे ही कुछ जानकारी मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आप हमें आपकी राय ये जरूर दीजिए कि इस तरह का प्रहार बिना किसी का नाम लिए पंकजा मुंडे ने क्यों किया, एक, और उन्होंने तो पहले भी कहा जा चुका है उनके द्वारा, उन्होंने पहले भी कहा है जब मीडिया ने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये घर मेरा है, मैं क्यों घर छोड़ूं, जब उनसे कहा गया था कि आप राष्ट्रवादी या शिवसेना में प्रवेश करने वाले, ऐसी जानकारी मिली, उन्होंने सीधा सीधा कहा था खुददारी से, ये घर मेरा है, मैं इस घर को क्यों छोड़ूं, यानी हमने हमारे खून पसीने से, हमारे गाड़ी कमाई से, गाड़ी पसीने की कमाई से हमने इस घर को बनाया है, इस झाड़ को हमने सींचा है, हम इसे क्यों किसी और को हवाले कर दें। जो इस पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए वहां पर देख रहे हैं, उनके मुंह के ऊपर उन्होंने 2-4 तमाचे जड़ दिए दशहरा के मेड़ावे में, अभी भी अगर उन्हें थोड़ी सी लाज शर्म बाकी हो तो वहीं वापस जाए जहां से वो आए थे, जबरदस्ती किसी और ने बनाए हुए संगठन पर कब्जा करने की कोशिश न करे, जिन्होंने बनाया उन्होंने जबरदस्ती अपना हक नहीं जमाया, अधिकार नहीं जमाया, कंट्रोल नहीं रखा। ये तो कल आए जिन्हें नितिन गडकरी जी ने, सम्माननीय नितिन गडकरी जी ने गलती से लाया था, उनके घर में गए थे वो, उनके पिता से बात की थी कि हमारे पास नगर सेवक का जो चुनाव आ रहा है उसमें कोई
उम्मीदवार नहीं है क्या, आपके बेटे को आप देंगे? और बस वहां से नगर सेवक, फिर महापौर और फिर डायरेक्ट प्रदेश के पद लेना चालू। तो इस तरह के ये जो क्या कहे जाते हैं तोतले एकदम व्यवहार वाले लोग कब्जा कर रहे हैं वहां महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे लोगों को सीधा ही हटा करके फेंक देना चाहिए कहीं पे। ये बात केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में समझना जरूरी, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या उनके जो भी वहां संगठन मंत्री हो। वरना आने वाले ये जो 15 महानगरपालिका के चुनाव हैं, इसमें तो ये बुरी तरह मुंह के बल गिरेंगे, हारेंगे, साथ ही साथ जो कुछ थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। वहां पर सिर्फ इतना होगा कि जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जो नेता है मूल, वो तो ग्राउंड पर उतरेंगे नहीं, दिखावे के लिए सिर्फ काम करेंगे। वो कोई अपने मतदाताओं को उन तक नहीं पहुंचाने वाले। हाँ, जो मतदान होगा वो सिर्फ इस वजह से होने वाला है कि कोई और बड़ी पार्टी नहीं बची है, लेकिन उससे जीत सुनिश्चित नहीं है। 50-50 चांस है, यानी या तो आर या तो पार। और उसमें से सबसे ज्यादा संभावना ये है, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस, ये लोग अपने पूरा जोर लगाने वाले हैं। ये लोग एक साथ लड़े या अलग अलग लड़े, लेकिन इनका कुछ ना कुछ आपस में इस तरह का एडजस्टमेंट होगा कि जहां पर शिवसेना की सीट है वहां पर कांग्रेस और एनसीपी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करे, ये इस तरह का कुछ भी हो सकता है। और जहां तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सवाल है, उसके बारे में तो ये जो महाराष्ट्र के मुख्य नेता है जो कठपुतली की तरह सबको वहां पर नचा रहे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से कहते हैं कि ये तो स्थानीय स्तर पर युति हो गई। यही बात ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल के मुंह से भी कहलवाते हैं, हालांकि सब निर्णय यही लेते हैं। तो इस तरह के वहां पर हालात हैं। आने वाले समय में वहां क्या होने की संभावना है, इस बारे में क्या आपका अंदाजा है, इस विषय में आपकी राय आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, क्योंकि हमने आपको वो अंदर की जानकारी दी है जो शायद ही कोई मीडिया चैनल या सोशल मीडिया चैनल पर आपको प्राप्त होती हो। दूसरी बात, आप इस वीडियो को जरूर आपके सभी दोस्त मित्र परिवार रिश्तेदार, आपके सभी प्रोफेशन में यानी काम काज जहां करते हैं वहां के सहकारी अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, सभी के साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सही सही हकीकत, जमीनी हकीकत हर भारत के नागरिक और महाराष्ट्र के रहवासी और नागरिक तक पहुंच सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझसे एक खास निवेदन है कि आप जरूर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके और आप सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।